बुंदेलखंड के राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुडा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी बीर सिंह राणा ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्कूल के लिए बेहतर कार्य करने के लिए शिक्षकों व स्टाफ सदस्यों को सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी बीर सिंह राणा ने कहा कि स्कूल के शिक्षकों व स्टाफ सदस्यों ने बेहतर कार्य किया है और दूसरों के लिए यह स्कूल एक प्रेरणा के रूप में सामने आया है। इसीलिए अब की बार वह गुड़ा स्कूल में आए और स्वतंत्रता दिवस पर इस स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित किया ताकि शिक्षकों का हौसला बढ़े और ज्यादा बेहतर काम वो कर सके। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पाठशाला के इंचार्ज ईश्वर ने कहा कि सभी शिक्षकों व स्टाफ सदस्यों के सामूहिक प्रयास से ही स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और बड़ा अच्छा लगा व गौरव महसूस हुआ कि बीईओ बीर सिंह राणा खुद स्कूल में आए और यहां आकर सम्मान दिया। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे खंड के गुड़ा प्राइमरी स्कूल में जो है ये स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया है। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को नहीं बुलाया गया, केवल स्कूल स्टाफ। और स्कूल स्टाफ में मैंने गुड़ा स्कूल को इसलिए चुना पूरे खंड से क्योंकि यहाँ की जो शिक्षक हैं यहाँ एक टीम के रूप में इन्होंने वर्क किया, कोरोना काल में बहुत अच्छा वर्क किया और अपने प्रयासों से यहाँ की संख्या जो है 300 तक बढ़ाई है। उसके लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं पूरे खंड इंद्री के शिक्षकों के लिए तो है ही, पेरेंट्स के लिए भी। जो पेरेंट्स दूसरे स्कूलों की तरफ भाग रहे थे वो हमारे राजकीय स्कूलों की तरफ उनका सबका विचार बन गए हैं और हमारे राजकीय स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। और यहाँ जो आप लोगों तक संदेश जाएगा भी किस प्रकार से छोटे से स्कूल में संसाधनों की कमी होते हुए भी 300 विद्यार्थी जो है वहाँ पर संख्या बढ़ा दी है, तो मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी जो हैं हमारे चीज को अच्छा कार्य किया है उसको समाज को बताने के लिए। थैंक यू। तो उपमंडल स्तर पर भी सम्मान मिला है? हाँ, उपमंडल स्तर पे तो जो हमारी ममतेश है इस विद्यालय की शिक्षिका, उनको SDM सर ने जो है सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है और उनको जो ये अवार्ड मिला है केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे विद्यालय के लिए है और हम सभी के लिए प्रेरणा का कार्य है कि दूसरे शिक्षक भी जो है इसी प्रकार से कार्य करेंगे, नेक्स्ट टाइम उनको भी इसी प्रकार से रिवार्ड किया जाएगा। अच्छा, आपकी बार जो परीक्षा परिणाम आए हैं सरकारी स्कूलों ने कहीं ना कहीं उसमें ये दिखाया है कि प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में भी एजुकेशन बढ़िया दी जाती है और टॉपर भी रहे हैं अपने जनरल स्कूल से। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, इस बारे में साल के सत्र के शुरू से ही पूरे हरियाणा सरकार के स्तर पर भी, आधिकारिक स्तर पर भी और शिक्षक स्तर पर भी एक मन में ये धारण कर लिया था कि विद्यालय हमारी जो लंबे समय से एक हर माँ बाप का सपना चल रहा था कि मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराऊँ और भारी फीसें, तो गवर्नमेंट स्कूल में पूरी तरह से पढ़े लिखे हैं पूरी डबल मेहनत करें और जहाँ जहाँ हमारी खामियां उनको कैसे निकाला जाए। और बच्चों में हम केवल ये कह के नहीं, किसी बच्चे को नहीं आता, जिस बच्चे की जैसी भी स्थिति है वैसा उनका आकलन करके उसी प्रकार से शुरू से ही एक चार्ट बना लिया गया था भी हमने किस प्रकार से उनको हमने पढ़ाना है। इवन के क्योंकि 1 से 8 तक का कोई बोर्ड नहीं है उसमें पास करना जरूरी होता है, तो 9th में क्योंकि ऐसे बच्चे बैठ जाते हैं जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आ पाता और वो ये नहीं भी कि शिक्षक की कमी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल में जैसे कोई प्लेज लगा रहा है, कोई घुमंतु प्रजाति से कोई कहीं से, हम उनको ऐसे भी रोक सकते हैं, घर का काम भी करते हैं लेकिन स्कूल से हम उनका नाम नहीं काट सकते, रखना पड़ता है और पास करना पड़ता है। फिर हमने उनको भी दुदकारा नहीं, अपने पास ही रखा उनको जिसकी जैसी स्थिति थी 1, 2, 3 से ABCD से लेकर के उनको शुरू से लिखना शुरू किया। और मैं इस बारे में गरीब बिरबल का उदाहरण देता हूँ, जिन बच्चों को ये मेरे शिक्षक बोलते सर ये नहीं हो सकता, उनको मेरे देव हैं। इवन के मेरे पास जो 4th क्लास आया था वो JBT Estate था, मैंने कहा भाई पानी तो मैं खुद अपने आप पी लूँगा तो पढ़ा, उसने भी उन बच्चों को अलग से क्लास लेकर के एक्स्ट्रा क्लासेस तो मेरे सभी ने ली हैं, इसके अलावा जिन बच्चे जो जहाँ सी थी उसको वहीं सीधे ऊपर उठा और सारे सारे पास हुए हैं। इवन के जो ओपन के बच्चे थे जिनको कोई कहीं दाखिला नहीं दे रहा था उन बच्चों को मेरे स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपने विद्यालय में उनको बिठाया और ऐसे 25-30 थे और 25-30 में से वैसे बोर्ड का जो ओपन का रिजल्ट है बहुत कम आया, लेकिन मेरे पास जितने बच्चे थे उनमें मैक्सिमम बच्चे पास हो गए, 1-2 बच्चे कंपार्टमेंट आए केवल और वो मैंने अभी बिठा लिए हैं। तो बोर्ड तो आगे जो रिजल्ट है बहुत अच्छा ही रहेगा क्योंकि सबने मन में धारण कर लिया, अभी हमने यदि विद्यालयों के अंदर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी इसमें कई लाभ हैं, माँ बाप का जो जाया पैसा जा रहा है बिना मतलब जहाँ तहाँ उसका पैसा नहीं कहीं जाएगा व्यर्थ,
अच्छी पढ़ाई हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में मिलेंगी। दूसरा, छात्र संख्या बढ़ने से जो पढ़े लिखा जो युवा है जिसको रोजगार नहीं कहीं मिल रहा, जब पोस्टें क्रिएट होंगी तो उनको भी कल को नौकरियां यहां पर मिलेंगी। यदि इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो सारी जितनी भी टोटल खामियां थी आज तक शिक्षा हमारी सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि केवल डिग्री से काम चलने वाला नहीं था। जैसे जापान में, चाइना में बच्चे को शुरू से ही उसको जो है एक क्रियाशील कुछ बनाने में, वोकेशनल उसके अंदर जो चीज़ लगाया जाता है, वही चीज़ें अपने यहाँ आ गई थी। और इससे पहले भी हमारे पास शिक्षा नीति में तो अभी आया है, पहले से हमारी नौवीं से लेकर बारहवीं तक एक वोकेशनल जो शिक्षा की थी उसके बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। इवन के आईटी ब्यूटी उसके अंदर भी बच्चे ने जो पारंगता हासिल की है तो कंपनियों ने उनको 10वीं करते 12वीं करते 15,000-20,000 में उनको ले लिया, और ऐसे दूसरे बच्चे भी से देखा देखी उनको सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। दूसरा, टीचर अपने ट्रांसफर में लगता है, जैसे दूर दराज में कहीं उसकी अदली बदली हो गई है तो उसको जो अपना रेजिडेंस का उसकी प्रॉब्लम होती है। नई शिक्षा नीति में जहाँ इंटीरियर के हैं वहाँ पर उनका जो है क्वार्टर वगैरह बनाए जाएंगे, और यदि वो बन गए तो कौन दूर जाना चाहेगा, उसी विद्यालय में रहकर वहीं पढ़ाई कराना चाहेगा। तो अच्छी पॉलिसी है, अच्छी जो प्रेरणा है सभी को लेनी चाहिए। और मैं इस विद्यालय की, जिस भी विद्यालय में जाता हूँ, इनकी बातें बताता हूँ भी, देखो एक महिलाएं होते हैं कोरोना काल में होते हैं, कैसे उन्होंने संपर्क जोड़ा कि भी घरों में भी नहीं जाना, उसके बावजूद व्हाट्सएप के माध्यम से दूरी का ध्यान रखते हुए मिड डे मील की भी इन्होंने बांटा, और मिड डे मील बांटते दौरान ही इन्होंने उन चीज़ों का लाभ उठाया कि संकट में जो है ना जो अवसर है वो इन्होंने पहचान लिया। कहीं तो ऐसा होता भी हाय रे हाय कि भाई इतना कोरोना काल में भी मिड डे मील बांटना पड़ रहा है, अपना अपना इन्होंने चीज़ों को नहीं देखा। भाई सरकार ने निर्देश दिए हैं और हमने बांटना भी जरूरी है, जो जिसको एक रोटी नहीं मिल रही है उसके लिए मैं अपना अपनी कितना भी संकट आ जाए और उसको मैं आटा दाल चावल जो है दे आऊँ, उसके बच्चों से थोड़ा दूर से संपर्क स्थापित हो जाए तो वो तभी निश्चित। शुरू में हमारा लॉकडाउन हुआ ये अप्रैल के बाद जब हमें मिड डे मील बांटने के लिए आदेश पारित हुए तो मैंने अपने स्टाफ को दिशा निर्देश और मैं भी साथ में भी, आप मिड डे मील तो बांट ही रहे हो लेकिन क्यों ना हमें एक पंथ दो काज किया जाए, जैसे आगे संख्या हमारी घट रही है इसको भी घर घर जाकर, घर घर तो जा ही रहे हैं तो घर घर से हम एक सर्वे होता है हर साल, सर्वे के दौरान हमें ये जाँचना है अभी कौन बच्चा 6 से 11 वर्ष का बच्चा उस परिवार में है, ताकि उससे हमारा मिड डे मील भी बटा जाएगा और आगे जैसे कोरोना काल में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में पता चल जाएगा और संख्या के भी बारे में पता चल जाएगा, भाई कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, मेरा ये टारगेट रहा। तो स्टाफ ने सहयोग पूरा किया? बिल्कुल, ये स्टाफ की वजह से ही आ जी, ये स्टाफ के सहयोग से ही आ जी, अकेला तो देखो आज की कुछ नहीं कर सकता। बीओ साहब ने जो इतने अच्छे प्रेरणा स्रोत हमें शब्द कहे, हम तो उससे गदगद हैं। मैं तो अपने बीओ साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे को थोड़े से कहने पर और मेरा हौसला इतना बढ़ाया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.